उत्तर प्रदेश में लगातार अरे भैया अरे भैया और जब से ये दोबारा सरकार को मौका मिला है उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हैं, गड्ढे बन गए हैं सड़कों पर। यहाँ किसान मौसम में जल भरा बाढ़ से परेशान होता था, इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कुछ हिस्सों में बाढ़ है, कुछ हिस्सों में सूखा है और अभी भी किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है। न बाढ़ के नुकसान से कोई राहत पहुंची है और ना ही सूखे की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पर कोई सरकार ने भरपाई या राहत दी है। वहीं बड़े पैमाने पर जानवर बीमारी से मर रहे हैं, गायों की मौत हो रही है, जो वायरस फैला है लंपी वायरस है जो जिसके कारण हजारों हजार गायों की जान जा चुकी है, जानवरों की जान गई है। अभी सरकार ने कोई मदद नहीं की, न उन जानवरों की देखभाल के लिए सरकार कुछ कर पाई है और लगातार महंगाई बढ़ा रही है सरकार। ये डबल इंजन की सरकार जिसे मौका जनता ने उत्तर प्रदेश में भी दिया और दिल्ली में भी बहुमत मिल गया, लेकिन आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ी है। इतनी महंगाई जो जनता को सामना करना पड़ा, जनता पिस गई है महंगाई में और कानून व्यवस्था इतना कभी बर्बाद नहीं हुआ होगा, जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां राहत मिलनी चाहिए थी जनता को वहीं महंगाई हर चीज की हो गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर दही पर घी पर GST लग जाएगी और न केवल GST लगाई है बल्कि खाने पीने की चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार की, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को दलितों को गरीब को वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए, जहाँ पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी। पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार की, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को दलितों को गरीब को वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए, जहाँ पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उस समय उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। अभी फरक्काबाद में भर्ती शुरू हुई है, 1,13,000 से ज़्यादा नौजवानों ने 12 जिले के लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन सरकार पीठ मोड़ लेती है जब उनसे पूछा जाए कि आखिरकार कितनों को अग्निवीर में भर्ती करोगे। तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं, बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर, जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रही। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले भी
इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के मैं बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है जो विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, कई कई बार के विधायक हैं, पूर्व स्पीकर हैं, बड़े बड़े पदों पे पूर्व में लीडर पोजिशन है, वो सब साथ हैं, उनको सदन में नहीं जाने दे रहे। आखिरकार सदन में जाकर के हम अपनी जनता की तो बात उठाते हैं, आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है? और सरकार इसलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है। लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे। जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया तो सदन चला करके वंदे मातरम से शुरुआत कर करके, और हमारे जो विधायक अरविंद गिरी जो हमारे बीच नहीं रहे उनकी भी शोक सभा कर करके खत्म की है। और अगली रणनीति क्या होगी वो भी हम लोग विधायक बैठ करके तय करेंगे। गाय भैंस और जानवरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जाने गई है। सरकार ये बताए कि जानवरों की बीमारी को बचाने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। इस सरकार में न केवल जानवरों की जान जा रही है, गरीब अगर इलाज कराना चाहेगा तो इलाज नहीं हो रहा। PSC उठा लो, CSC उठा लो, जिला अस्पताल उठा लो, राजधानी के बड़े अस्पताल उठा लो, मेडिकल कॉलेज उठा लो, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं कि गरीब को पहले तो इलाज नहीं, दवाई नहीं, अगर ऑपरेशन की तारीख हो तो ऑपरेशन की तारीख नहीं मिलनी, जांचें नहीं हो पा रही हैं, जितनी मशीनें सब ऑब्सोलीट हो गई हैं। डॉक्टर जिस विभाग के होने चाहिए थे, जिस बीमारी को, जिस डॉक्टर को देखने चाहिए थे वो डॉक्टर नहीं है। और ये सरकार आखिरकार क्यों चल रही है? और इनके लोग जहाँ जाते हैं निरीक्षण तो कहते हैं हम शर्मिंदा हैं। सोचिए डिप्टी CM कहते हैं शर्मिंदा है। यहाँ के कई मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है कि उनके विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। शायद आज़ादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कैसे जाएंगे? पुलिस ने यहाँ रोक लिया, पुलिस कह रही है एक निर्धारित रूट दिया गया था उसके बावजूद अब विधानसभा जाएंगे नहीं जाएंगे, आगे की क्या प्रतिक्रिया? आज क्योंकि सदन की कोई बहुत कार्रवाई नहीं थी, आज शोक का होना था कार्यक्रम सदन में। अगली रणनीति समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के साथ बैठ करके आप क्योंकि सदन में चलना नहीं है और सदन जाने नहीं दे रहे हैं। अभी 4 दिन 5 दिन का सदन है, समाजवादी पार्टी रणनीति बना करके आगे का फैसला लेगी कि क्या होना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे छात्र हैं जो धरना पर बैठे हैं, उनका कहना चाहता हूं यार और ये फीस बढ़ गई है। सरकार को जो सरकार पर नियंत्रण रखे और गरीब बच्चों की पढ़ाई फ्री कैसे हो सके उस दिशा में सरकारों को फैसले लेने चाहिए। हमारे विधायक तय करेंगे कि विशेष अधिकार है, अगर आप सदन में नहीं जाने देना चाहते हैं। हम सब सदस्य और सदस्यों को इसलिए रोक रहे हैं वो अपनी आवाज उठाएंगे, जनता की बात को रखेंगे। हमारी पार्टी विशेष अधिकार जो हनन हो रहा है हमारे